दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइनेंस क्वाइन के बारे में। और आज फाइनली मैंने पूरी रिसर्च स्टडी एनालिसिस कर लिया है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करेंगे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर बात करेंगे बाइनेंस क्वाइन के बारे में। अगर हम इसके रैंक की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वाइन मार्केट कैप वेबसाइट रैंक नंबर 5th पर ये बिलोंग कर रहा है। अगर हम पूरी वर्ल्ड वाइड बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस की बात करें तो पूरी दुनिया के जितने भी बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी के एक्सचेंजेस हैं, लगभग आपको हर एक एक्सचेंज पर बाइनेंस क्वाइन मिल जाएगा। और बाइनेंस क्वाइन का जो शॉर्ट नेम है वो BNB है। जी हाँ, अगर हम इसके करंट प्राइस की बात करें तो $230 के आसपास चल रहा है। उसके बाद में हम बात करेंगे यहां पर क्या मैंने कभी इसके ऊपर वीडियो बनाया है, हमने स्टार्टिंग पॉइंट कहां पे किया था। तो $5.5 का जब ये क्वाइन होता था तो मैंने अपने फ्री सिग्नल टेलीग्राम में पोस्ट किया था। प्रूफ आज भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। इसीलिए मैं लगभग वीडियो में बोलता रहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है, मेक श्योर ज्वाइन करके जरूर रखा करिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में $8, $10, $12, $15, इस पे तो आपको कम से कम 5 से 10 वीडियोज मिल जाएंगी। जब मैंने इतने कम प्राइस पर बाइनेंस क्वाइन के बारे में वीडियो बनाना शुरू किया और इस प्रोजेक्ट ने लगभग पूरी क्रिप्टो गुरु फैमिली मेंबर्स को, जिसने भी स्टार्टिंग फेज में इन्वेस्टमेंट किया था, उसको 100x से ज्यादा का रिटर्न मिला है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में रिस्क जरूर है लेकिन रिवार्ड बहुत ही हाई है। उसके बाद में बात करेंगे टॉप लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। सिंपल सा मतलब यह हुआ, पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पूरे वर्ल्ड का टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज भी माना जाता है। उसके बाद में बात करेंगे पूरी वर्ल्ड वाइड ये ऑलरेडी फेमस एक्सचेंज है क्योंकि पूरी वर्ल्ड वाइड टॉप लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से आता है। अब हम यहां पर बात करेंगे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जितने भी व्हेल्स हैं, सभी लोग इसमें टाइम टू टाइम इन्वेस्टमेंट किया करते हैं। और उसके बाद में बात करेंगे बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जहां पर बाइनेंस क्वाइन एज ए पेमेंट मेथड भी एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद में बात करेंगे बहुत सारे ऐसे यूज केस हैं बाइनेंस क्वाइन के, बाइनेंस प्रोजेक्ट के, जो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और मार्केट में बहुत ही ज्यादा इस प्रोजेक्ट का नाम भी है। उसके बाद में बात करेंगे जो इनकी डेवलपर टीम है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्टिव रहती है, रेगुलर बेसिस पर मार्केट में न्यूज और इवेंट अनाउंसमेंट होते रहते हैं और जो टीम है इनकी वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। उसके बाद में बात करेंगे 9 मिलियन प्लस फॉलोअर हैं बाइनेंस क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है। अगर आप लोगों ने अभी तक इनके बाइनेंस जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर उसको फॉलो करके जरूर रखिए। बहुत सारे बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी से रिलेटेड आप सभी लोगों को अपडेट भी मिलती रहेंगी। अगर हम इनके होल्डर्स की बात करें तो मिलियन ऑफ होल्डर्स हैं और मिलियन ऑफ फॉलोअर्स भी हैं। उसके बाद में बात करेंगे 50 प्लस कंट्री के टेलीग्राम अवेलेबल है टेलीग्राम चैनल पर और आप लोगों ने जिसका भी यहां पे ज्वाइन किया है, जिसने भी आपको जरूरत है उस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में यहां पर बात करेंगे बाइनेंस जो एक्सचेंज है वो 2017 में बनाया गया और यहां पे जो लॉन्च हुआ था वो लगभग अप्रैल के महीने 2018 में मार्केट में पूरी तरीके से लॉन्च हो गया था। उसके बाद में बात करेंगे DCA प्लस SIP। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अक्सर पूछा करते हैं कि DCA और SIP जो स्ट्रेटजी है क्या बाइनेंस क्वाइन में एप्लीकेबल है या कि नहीं। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे ये DCA प्लस SIP स्ट्रेटजी एप्लीकेबल प्रोजेक्ट है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वेदर मार्केट अप आर डाउन। सिंपल सा मतलब इसका ये हुआ कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या फिर मार्केट नीचे जाए, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप रेगुलर बेसिस पर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक दिन आपको बहुत बड़ा फायदा देके जा सकता है। उसके बाद में बात करेंगे अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या फिर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर आप मार्जिन ट्रेडर हैं, अगर आप इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी के ट्रेडर हैं तो आप लोगों को दूर रहना है, बिल्कुल भी ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ये चीजें मैं रेगुलर बेसिस पर अपने टेलीग्राम में अभी मैं बता रहा हूं।
अब यहां पर बात करेंगे, अगर आप मीडियम टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, दो चार छह महीने के लिए, आठ महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्राइस प्रिडिक्शन के बारे में अक्सर वीडियो में कमेंट किया करते हैं, पूछा करते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करें 2022 की, तो बाइनेंस क्वाइन अगर सब कुछ अच्छा रहता है, मार्केट थोड़ा सा भी रिकवरी स्टार्ट करती है, बिटकॉइन का ब्रेकआउट अगर देखने को मिला एंड ऑफ ईयर तक, तो आपको बाइनेंस क्वाइन जो है वो $400 के आसपास दिख सकता है। कहने का मतलब यहां से आपको लगभग 80-100% का प्रॉफिट बहुत ही आराम से दे सकता है, लेकिन ये कंडीशन है मार्केट जब ऊपर जाएगी। अगर बिटकॉइन साइडवेज में जाती है, डाउन ट्रेंड में जाती है, तो यहीं पर आपको $125-130 के आसपास बाइनेंस क्वाइन आपको मिल सकता है। उसके बाद में बात करेंगे, अगर बाइनेंस क्वाइन में आप 2025 के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वहां तक प्राइस जो प्रिडिक्शन है मेरा पर्सनली, वो $1500 से लेकर के $2000 तक बाइनेंस क्वाइन आपको इजीली दे सकता है 2025 तक। और ये आपको बहुत ही आराम से 10x तक रिटर्न दे सकता है। आप लोगों को मैं एक चीज और बता दूं, यहां पे अभी $1000 $2000 बहुत सारे लोग मार्केट में बताते होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये कॉइन $8 $10 $12 $15 का था, तब मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया था और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि बाइनेंस क्वाइन कम से कम $1000 जाएगा। वीडियो आज भी पड़ा हुआ है, लगभग 2.5-3 साल पहले का, तो आप लोग उस वीडियो को अभी भी चेकआउट देख सकते हैं प्रूफ के लिए। उसके बाद में बात करेंगे, अगर आप 2030 के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बाइनेंस क्वाइन आपको $5000 के जोन में मिल सकता है, इतना हाईएस्ट रिटर्न आपको दे सकता है। उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर कि किसकी कैपेसिटी कितनी है, जो मेरा ओपिनियन है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, अगर सब कुछ अच्छा रहता है, बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज चलता रहता है, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से चलती हैं, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो मिनिमम मैं मान के चल रहा हूं कि $10000 तक आने वाले टाइम में बहुत ही आराम से जा सकता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म का विजन है 2030-2040-2050 के लिए। फाइनली आप सभी लोगों का क्या पर्सनल ओपिनियन है प्राइस प्रेडिक्शंस को लेकर के, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हो सकता है आपका ओपिनियन इससे कहीं ज्यादा प्राइस प्रेडिक्शन हो, और या फिर हो सकता है आपका प्राइस प्रेडिक्शन कम भी हो सकता है। तो आप पॉजिटिव या निगेटिव कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अब उसके बाद में बात करेंगे इन्वेस्ट और नॉट, आप लोग यहां पर इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं बाइनेंस क्वाइन में या फिर नहीं किए हैं, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके बाद में वीडियो के आखिरी में डिस्क्लेमर, अगर आप यह डिसाइड करते हैं कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहां पर आप भी अपनी पर्सनल स्टडी और रिसर्च जरूर करें, क्योंकि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अपना पर्सनल ओपिनियन भी जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से पर्सनल स्टडी रिसर्च के बेस्ड पर आप सभी लोगों के साथ में शेयर कर दिया है। आप लोगों का अगर कैपेसिटी है, आप लोग रिस्क लेने के शौकीन हैं, तो आप लोग इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही था, अगर अभी भी कोई भी डाउट है इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही था, वीडियो में अगर 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।